हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एसएन ऑटो पोर्टल पर। तो फाइनली महिंद्रा ने अपनी थार 5 डोर को रिवील कर ही दिया अपने साउथ अफ्रीका इवेंट में, जिसका हमें इतना बेसब्री से इंतजार था। इतने सारे लीक्स हमने देख लिए कि ऐसी होगी, रैंगलर रूबिकॉन जैसी होगी, फाइनली अब आपके सामने है। हालांकि ये कंसेप्ट कार है, एग्जैक्टली ऐसी नहीं आने वाली है, पर थोड़े बहुत डिजाइन एलिमेंट्स जरूर चेंज किए जाएंगे। बट एक आइडिया जरूर मिल गया है इसकी लुक्स का कि कैसी होने वाली है। और हाँ, एक बात और, अब ये गाड़ी आ रही है इलेक्ट्रिक में, इसलिए इसको महिंद्रा ने नाम दिया है थार ई। ई बोले तो इलेक्ट्रिक। मानना पड़ेगा महिंद्रा का विजन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी है। हम सोच रहे थे कि डीजल में होगी, पेट्रोल में होगी, ये वेरियंट होगा, वो वेरियंट होगा, लेकिन महिंद्रा एक कदम आगे ही है और वो फ्यूचर पर काम कर रहा है। तो चलिए कुछ मेजर चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं, कैसा होने वाला है आगे इसका मॉड्यूल। वैसे तो कम्प्लीटली चेंज कर दिया महिंद्रा ने, जैसा हम सोच रहे थे कि ऐसी जाएगी रेंगलर जैसी जाएगी, ऐसा नहीं है। अब उसका रीज़न भी है, क्योंकि जो हमारी 3 डोर थार है उसको लोग आज भी जीप की कॉपी बोलते हैं रेंगलर की, और वो है भी सच बात, क्योंकि महिंद्रा ने वहाँ से काफ़ी कुछ कॉपी किया है। तो महिंद्रा इस बार 5 डोर जो अपनी थार ला रही है उसमें से अपना जीप का जो रेंगलर का जो धब्बा है वो हटाना चाहती है। वो बिल्कुल मूड में नहीं है उसके जैसा एक और प्रोडक्ट लाने के। तो इसी कॉपी के चक्कर में महिंद्रा जो अपनी 3 डोर थार है वो ऑस्ट्रेलिया में बेच भी नहीं पाती, क्योंकि जीप ने केस किया हुआ है और जीप ऑस्ट्रेलिया का ही ब्रांड है। तो अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी लुक्स की। वैसे तो खैर पूरा ही कम्प्लीट चेंज है। फ्रंट से अगर बात करूँ तो पता नहीं मुझे क्यों इसमें से थोड़ी थोड़ी हमर की फील आ रही है, और बैक से भी मैं बात करूंगा आगे, जो कि थोड़ी सी डिफेंडर जैसी भी है। सामने से अगर फ्रंट की बात करते हैं, सामने से जो इसका जो इसके जो हेडलाइट है वो कुछ बॉक्सी से हैं दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि आपको इस लंबी सी ब्लैक बार में दिखेंगे और आपको इसमें DRLs भी मिलेंगे। नीचे से अगर मैं बात करूं, तो ये जो आपका बम्पर है काफ़ी रगड़ दिया गया है और काफ़ी स्पोर्टी भी दिया गया है। ये दोनों लग रहा है, रफ एंड टफ भी लग रहा है, स्पोर्टी भी लग रहा है, क्योंकि थार मतलब ऑफ रोडिंग, आप सभी को पता है, महिंद्रा को पता है कि थार वाले जो हैं वो आगे पीछे नहीं देखते जब ऑफ रोडिंग करते हैं। तो उसी हिसाब से महिंद्रा ने इसको डिज़ाइन किया है, इसका फ्रंट पार्ट, खासकर इसका बम्पर। साथ में ये एक हुक भी दिया है, काफ़ी प्यारा लुक दे रहा है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया है महिंद्रा ने इस बार। तो ओवरऑल फ्रंट की अगर बात करूँ तो एकदम किलर लुक आ रहा है, फ्यूचरिस्टिक भी लग रही है, और थार वाली थोड़ी सी फीलिंग मुझे कम आ रही है। बाकी हाँ, अगर इसका हम आगे बात करेंगे जैसे व्हील बेस वगैरह का, तो उसके हिसाब से ठीक है, बाकी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, आई वुड से दैट। साइड प्रोफाइल से अगर मैं बात करूं, तो ये आपको मस्कुलर से टायर दिए गए हैं ऑफ रोडिंग के लिए, और अलॉय के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो वो भी कंप्लीट चेंज है। देखने में ऐसा लग रहा है कि कितने स्ट्रॉन्ग अलॉय है इसके, काफ़ी स्पोर्टी लुक भी आ रहा है इसको देख के। हाँ, साइज़ सेम ही है, 18 इंच का दिया गया है, जो कि आपको 3 डोर थार में भी मिलता है। ऐसे काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा साइड का, मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी की कोई सी दूसरी गाड़ी से कोई कंपैरिजन हो सकता है व्हेन इट कम्स टू लुक। साथ में अगर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा ब्रॉड सा ब्लैक स्टेप दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, 4 चांद लगा रहा है गाड़ी में। डोर में भी इसके जो हिंजिस है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो है इसका कोई कंपैरिजन लग नहीं रहा साइड लुक से किसी भी दूसरी कार से, इतना प्यारा लुक आ रहा है, काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रहा है। रेयर से अगर मैं बात करूं तो मुझे थोड़ी थोड़ी डिफेंडर वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है, मेरे जैसी फीलिंग ही आ रही है या शायद मैं गलत हूं। बाकी जो प्लेसमेंट है इसके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की वो काफ़ी शानदार है, जैसे इसका जो टेल लैम्प है वो भी बॉक्सी दिया है, जैसा कि आपने आगे देखा होगा हेडलाइट की तरह वो भी सेम है इसका, और जो स्पेयर टायर है वो यहाँ से कुछ अच्छा सा दिख रहा है, जो इसके अलॉय हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए, जो एक बीच में एयर डायनेमिक जो फील दिया है इसमें वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मैच किया गाड़ी के साथ। मुझे नहीं लगता आफ्टर मार्केट जाने की ज़रूरत है इसके अलॉय को देख करके, क्योंकि जो पुरानी थार है उसमें लोग आफ्टर मार्केट लगवाते थे आज भी, बट ये दोनों काम कर रहे हैं, ये आपके ऑफ रोडिंग भी करेंगे और स्पोर्टी लुक भी देंगे। और अगर बात करूँ थोड़ी सी और पीछे से गाड़ी की, तो देखो एक स्टेप पेडल भी दिया गया है, मतलब कुछ ना कुछ बात करी है कंपनी ने कि काफ़ी रगड़ बनाई है आगे फ्यूचर के लिए। हालांकि साइड में भी दिया गया एक स्टेप पेडल, बट पीछे भी दिया गया है, और पीछे अगेन एक हुक और दिया गया है, वेरी नाइस। तो ये कुछ है इसके पीछे का लुक। और अगर इंटीरियर की बात करूं तो देखो ये कंसेप्ट कार है, और जो इन्होंने अभी इंटीरियर दिया वो प्रैक्टिकल नहीं दिया है,
थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली ऑफ रोडिंग व्हीकल टाइप का नहीं है इसका इंटीरियर। जो एलिमेंट्स है वो डेफिनेटली चेंज होंगे। जिसका सेंट्रल कंसोल है वो काफ़ी स्पोर्टी है, और मेरे को नहीं लगता है ऑफ रोडिंग के कैपेबल है, तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आएगा। तो इसकी हम आगे बात करेंगे जब कुछ ऑफिशियली अनाउंस होगा, जब कंपनी और भी इसका लीक से रिवील करेगी, तब हम उसके इंटीरियर की बात करेंगे आगे। तो ये कुछ ओवरऑल इसका लुक है, जैसा आप सब देख पा रहे हैं पिक्चर में, वीडियो में, और ये कुछ इसका डिज़ाइन दिया है कंपनी ने। बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल की। तो ये गाड़ी आपको 3 डोर में भी मिलेगी और 5 डोर, दोनों ऑप्शन में मिलेगी आपको। और ये बनाई जाएगी आपके इंग्लो प्लेटफॉर्म पे, जिसमें महिंद्रा की 4 से 5 गाड़ियाँ और भी आ रही हैं इलेक्ट्रिक वाली। और व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ, तो अब जो इसका व्हील बेस इंक्रीज़ होने वाला है वो 2775 से लेके 2975 mm तक इंक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा स्ट्रेच किया गया है 3 डोर से 5 डोर के लिए। और अगर थोड़ी और टेक्निकल की बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 250 से लेके 300 mm तक आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कैपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए इतना ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब अब आपको ऑफ रोडिंग करने के लिए 1% भी सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं भी लेकर के आप इसको कूद जाइए, ये कितने भी बड़े बम्स होंगे वहाँ से निकल जाएगी, कैसा भी ऑब्स्टेकल हो वहाँ से निकलने के में इसमें इतनी कैपेबिलिटी आ गई है अभी आगे फ्यूचर में। बैटरी की अगर बात करें, जो कि आप सभी के मन में सवाल भी होगा कि इलेक्ट्रिक तो दे दी है, इसकी रेंज कितनी आने वाली है, कितने वॉट की आने वाली है, तो जो कंपनी देगी आपको वो 60 से लेके 80 किलोवाट तक की इसमें बैटरी आएगी, जो कि लगभग लगभग आपको 350 से लेके 400 किलोमीटर तक की रेंज देने वाली है वन गो में। हालांकि पेट्रोल थार से तो ज़्यादा ही देने वाली है, पेट्रोल थार ओनर समझ गए होंगे। वेल, जोक्स अपार्ट, और अभी महिंद्रा जो है वो वॉल्क्सवैगन के साथ भी काम करने वाली है। पहले जो ये बैटरी इंपोर्ट करती थी अपनी BYD से करती थी, लेकिन अब ये वॉल्क्सवैगन के साथ भी अपना टैप करने वाली है। तो फाइनल कंक्लूजन पर आ जाते हैं। देखिए, ये कंसेप्ट कार है और महिंद्रा का जो विज़न है थोड़ा सा लंबा है, और इनकी जो प्लानिंग है अब इसको ग्लोबली ले जाने की है, तभी इन्होंने इसका डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया है, फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से ही रखा है इसका डिज़ाइन, प्लस इलेक्ट्रिक भी उसी हिसाब से दिया है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक का ही है। बट मुझे ये देखना है कि ये क्या ऑफ रोडिंग के इतनी ही कैपेबल होगी जितनी हमारी पुरानी थार है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक आ गई है और जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं पुरानी वो डीजल पेट्रोल में आती है, उसके टॉर्क में और इस इलेक्ट्रिक में काफ़ी डिफरेंस आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है वो उनकी जो पावर होती है वो लीनियंट होती है। तो वही देखना है कि कितनी कैपेबल है, क्या उसके महिंद्रा इसमें क्या ट्विक करता है, आगे देखते हैं। तो इसको आने में थोड़ा तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी महिंद्रा पर ऑलरेडी बहुत सारी वेटिंग है कार्स की, और ये भी आगे प्रोडक्शन में जाएगी, फिर उसमें भी दुनिया भर की टेस्टिंग होगी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और मैं नहीं बोलूँगा कि आप सारी गाड़ियों को छोड़ के इसका इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये 2024 के एंड तक आ जाए, वैसे अभी कंपनी का कोई ऑफिशियल नहीं है, बट शायद लॉन्च हो सकती है 2024 के एंड तक, तो होप कर सकते हैं। वैसे पर्सनली बताऊँ तो महिंद्रा ने इस बार जो प्रोडक्ट बनाया है, हर बार की तरह जो भी अपना प्रोडक्ट नया लाती है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है बाकी किसी कार से। अब आप लोग डिफेंडर से इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि उसके रेट में और इसके रेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको डिज़ाइन कैसा लगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन खुद पे खुद आ जाए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।